वेलकम आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूँ शैलता। जो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा एंड टाइटल में देखा कि आज हम बाल बांधने वाले हैं हैंकी से। यहाँ पे मैंने दो दो हैंकी ले लिए हैं, तो दिस इज माय हैंकी एंड दिस इज माय हस्बैंड हैंकी। क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ हेयर स्टाइल ऐसे करूँगी मैं जहाँ पे जो हमारे जो हैंकीज होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो इससे नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना दो दो हैंकी ले लेते हैं, जब कौन सा कौन कब काम आ जाए हमें पता नहीं है। उसके साथ मैं यहाँ पे मेरी क्लिप्स है और कुछ कॉम्बी है, यहाँ पे एक कॉम्बी है। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये। एक्चुअली हमें रबर बैंड उतना यूज़ भी नहीं करना चाहिए अपने बालों में, तो रबर बैंड से क्या होता है हमारे बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, और हमें अभी तो बालों की टूटने झड़ने की प्रॉब्लम हम सबको है। तो मैंने इसीलिए सोचा क्यों ना ऐसा कुछ वीडियो लाया जाए जहाँ पे हम लोग हैंकी के साथ भी, जहाँ पे हमें रबर बैंड्स नहीं मिल रहे हैं, जो अच्छे वाले रबर बैंड्स होते हैं वो अगर यूज़ करो तो ठीक है, पर अगर जो हमें किचन में हम लोग जो रबर बैंड यूज़ करते हैं उसे बालों को मत दो। तो अगर आपके पास वो वाले रबर बैंड हर टाइम अवेलेबल नहीं है, तो इस टाइम में हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने बालों को हैंकी से टाई अप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और कभी कभी तो अच्छा लुक्स के लिए मैचिंग हेयर बैंड आपको नहीं मिल रहा है, बच्चों के लिए डेट टाइम भी आप हैंकी से मैनेज कर सकते हैं, तो इससे अच्छा आइडिया आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो जो लोग नए हो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे आने वाले और भी प्यारे प्यारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और मैंने बहुत सारे फनी फनी वीडियोज़ बनाए हैं जिसके लिंक आप लोगों को आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर उससे भी ना जाना हो तो आप मेरे डायरेक्ट चैनल पे आ सकते हो, जहाँ पे आपको और भी मजेदार वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हेयर स्टाइल विद हैंकीज। ओके, तो पहले सबसे पहले तो मैं हमारे पास एक कॉमन हेयर स्टाइल है वो कर लेते हैं, जो कि हम सब गर्मियों में करना पसंद करते हैं। ओके, मेरे बाल कॉम किए हुए हैं एंड टैंगल फ्री है, तो आप कोशिश किए करिएगा पहले आप अच्छे से कॉम कर लीजिएगा, बालों को टैंगल फ्री कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप मतलब कुछ कर रहे हैं बालों से तो वो आपको मुश्किल ना करे, बाल टूट ना जाए, क्योंकि बालों का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। हमारे बाल वैसे ही झड़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने अपने हैंकी को त्रिकोण कर लिया है, उसको हम अच्छे से छोटा छोटा करके फोल्ड करेंगे, ताकि ये देखने में ना अच्छा लगे। मैं नीचे रखकर कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड तो टैंगल फ्री ज़रूर कर लीजिएगा, फिर ही कीजिएगा। तो ये रहा, इसे मैंने ऐसे अच्छे से कर लिया है, देन अभी टाई अप करेंगे। तो पहले बालों को हमने ऐसे ले लिया है, पहले की जो मूवीज होते थे ना वैसे लगेगी। नहीं ऐसे ऐसे इधर से उधर से निकले हुए हैं, ये आई थिंक गर्मियों में बहुत ही अच्छा एक नुस्खा है, इसे आप और भी अच्छे से टाइट कर सकते हो। पर ये मेरा जो गर्मियों में अभी आपको कुछ चाहिए, कुछ आपको कुछ नहीं मिल रहा है, पर हैंकी तो हमारे पास पता होता है कहाँ पे है, तो झट से ये कर सकते हो। पर इसे मैं और भी अच्छे से आप लोगों को करती हूं। आप ना पहले बालों को अगर ऐसे निकल देते हैं, ये जो निकला हुआ है इसे आप इसे यहाँ से एक और नॉट भी बांध सकते हो, मतलब ऊपर से नीचे लेकर एक और नॉट मेरे बांधे, इससे बाल भी उनके टाइट हो जाएंगे और गिरेंगे भी नहीं। नीचे से उसे लेकर आकर ऊपर से एक और नॉट आप कर सकते हो, लुकिंग सो क्यूट, पीछे से भी आप बहुत प्यारे लगोगे एंड सामने से तो अच्छा ही है। बालों को ऐसे रख दो, आपके नेक में भी बाल नहीं लग रहे हैं तो गर्मी भी उतनी नहीं लगेगी, एंड ऑल्सो आप बालों को सामने लेकर आओ तो फिर अलग सा एक स्टाइल बच जाएगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना जरूर यार, बहुत अच्छा हुआ है। Okay, पर हाँ बालों को अच्छे से कॉम कर लेना। ये देखिए मैंने ऊपर का गार्ड खोला, उसे नीचे से मैंने क्रॉस किया हुआ था, देन ये ऊपर लाकर ओके हो गए। इसे कॉम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो आप दोनों साइड में भी ऐसे बांध सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक दिखाती हूँ, देखिए
एक ही फोल्ड किया हुआ है उसके साथ ही मैं कर रही हूँ, और इसे थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा कि जो दोनों साइड के जो बन हो गया ना देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, थोड़ा सा ढीला करते हैं। तो आप छोटे छोटे बाल को अच्छे से फॉर्म कर लेना है। देन ये देखिए काट हो गई, पीछे से आप इसे क्रॉस करके फिर से इसे सामने ला सकते हो, या फिर आप इसे बालों के साथ ही ना ऐसे रख सकते हो लाइक दिस। बालों के साथ अगर आपके बाल घने हैं, मेरे बाल तो घने नहीं है, बालों के साथ अगर ऐसे रखते हो तो भी ये बहुत प्यारा एक लुक देता है। और इसे मैं मेरे पास ऐसा प्रिंटेड एक ही है, एक और है जो कि है वो टॉवल में है, जो मैं इसे इसके साथ कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड का जो हैंकी है उसके साथ कर रही हूँ, और उनका हैंकी बहुत ही बड़ा है। एक्चुअली ये हम लोग जब गुरुद्वारे गए थे ना दैट टाइम हमने लिया था, तो इसलिए ये इतना बड़ा है, क्योंकि गुरुद्वारे में क्या होता है हम लोग सर पे बांधते हैं। अगर आपने पुराने दिनों की मूवीज देखी होंगे तो वहां पे जरूर आपने देखा होगा। छोटा एक बड़ा हो गया, मैच नहीं हो रहा है, पर आई थिंक बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे बाल बहुत पतले हैं, उतने घने नहीं है, इसलिए ये ढीले हो रहे हैं, जो कि बहुत ही क्यूट होने वाला है। नंबर 4, तो इस हैंकी को, ये बड़े वाले हैंकी को जो मेरे हस्बैंड का है, उस हैंकी को अच्छे से पहले फोल्ड करेंगे, जो दिखने में बहुत ही क्यूट लगेगा। जैसे हम लोग पहले सैंडविच बनाते हैं वैसे सैंडविच बनाएंगे, देन उसे जो पहले किया था वैसे ही करेंगे। देखिए ऐसे ट्राइंगल में बनाएंगे, ऐसे ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए हम लोग जैसे फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो हो गया, अभी बालों को फिर से कॉम करना है, क्योंकि स्वेट हो रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा टैंगल हो रहा है। अब दिखाते हैं, ये वाला स्टाइल मेरा फेवरेट है। ये नॉट बांधने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, कहीं तो ठीक है, आप एक और गांठ बांध सकते हो, यहाँ से दो गांठ निकले कोई बात नहीं है। ये मेरी बहुत फेवरेट है, तो आप ऐसे करके कोई भी मैचिंग हैंकी के साथ या फिर जो कलरफुल हैंकीज होते हैं उनके साथ आप ऐसा डिजाइन कर सकते हो, तो आपकी हेयर बैंड भी आप लोगों को नहीं लगेगा और अच्छे से यूज भी हो जाएगा। या फिर आप घर में बैठे हो, स्टडी वगैरह कर रहे हो, बाल आपकी आंखों के सामने आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हो, डैट टाइम भी आप ऐसे कर सकते हो। तो आप लोगों को कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगा हैंकी के साथ आप लोग जरूर शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आई थिंक ये अभी नया भी चल रहा है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए चैलेंज के साथ। ओके तो आज के लिए इतना ही। जब आप फेशियल कर रहे होगे ना तब अच्छे से बन बना लीजिए बालों को, एंड देन ऐसे बड़े बड़े जो हैंकीज होते हैं जो पुराने ओल्ड हो जाते हैं, अच्छे से बन बना के ऐसे आप इसे फेशियल मास्क की तरह भी जो हेयर पे लगाते हैं वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। जाते जाते मैंने एक और टिप्स भी आपको दे दिया, आप ऐसे अपने फेस को भी स्क्रब कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करना, जो भी लोग नए हो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।